हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एक विलन रिटर्न्स तो एक विलन रिटर्न्स फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म कौन से, से कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले है इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस की जाएगी फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेज के बारे में बातचीत की जाएगी म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में चर्चा करने वाले है इसी के साथ फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वी वीडियो स्टार्ट करते है एक विलन रिटर्न जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिकवल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविल करके कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन सीन्स कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म ए सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यू रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर दिशा पटानी तारा सुतारिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा काइजात कोतवाल एलिना रोक्साना मारिया फर्नांडिस साद रंधावा भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सिथोले सतीश नकयोटी और प्रीतेश देशमुख का एक कैम्योपीरेंस कह सकते हैं फुटेज यूज़ की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन ने की हुई है एडिटिंग की हुई है देवेंद्र मुरदेश्वर ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेट किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डायरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स में धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म के और साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल प्रंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो एक मार्च दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का, का पोर्सन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेप अप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट्स राइट से जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को अभी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो डिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गानों को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासिर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया हुआ अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी और तारा सुतरिया और इसी गाने के थ्रू तारा सुतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्तमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिल के गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स फ्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल है टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपुस्कर का रोल दिशा पटना पटाने को दिया गया था तारा सुतरिया ने आरवी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में एसीपी एस वीके गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी कि गौतम के एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नांडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत दबोलकर ने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सितोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैमियो अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज़ किया उसमें राकेश मां महात् के नाम से तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंसेस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफ़ी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते हैं अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट की हुई फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म के हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नजर आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नज़र आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेस के साथ चलती रहती है और जल्द ही ख़त्म हो जाती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नज़र नहीं आ सकता है अदरवाइज़ फिल्म के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूज़िक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आठ डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पे यूएस सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीजें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सीनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है 18 अगस्त 2022 तक फिल्म ने करीबन उनपचास करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसेंट में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई एम डी पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई पे फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेटवर्क ने ख़रीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टे, सॉरी टेलीविज़न चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक विलन रिटर्न फिल्म आपको हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ओ टी टी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी ऑफिशियली वहीं पर फिल्म का ऑफिशियल टेलीविजन प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सैटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से एक विलन रिटर्न्स फिल्म आप देख सकते हो एक विलन रिटर्न्स जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिक्वल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविल करके कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म्स ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसी सीन्स है कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म ए सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यूए रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा कोतवाल एलिना मारिया फर्नांडिस, साद रंधावा भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सितोले सतीश नक् और रितेश देशमुख का एक कम्योपीरेंस गन के सकते आरकी फुटेज यूज की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन ने की हुई एडिटिंग की हुई देवेंद्र ने जिन्होंने इस फिल्म को उनतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेट किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डिरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स से धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म के और साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल प्रंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो एक मार्च दो हज़ार इक्कीस को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का पोर्शन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती फिल्म है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेप अप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को अभी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो गानेट है सुनने में। उतने बुरे नहीं। अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गाना को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया हुआ अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी और तारा सोतरिया और इसी गाने के थ्रू तारा सोतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनीस बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनीस बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्थमास फारिदी ने वहीं पर पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिल के गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स प्रीज दो बे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल है टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपुस्कर का रोल दिशा पटना पटाने को दिया गया था तारा सुतरिया ने आर वी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में ए सी पी वी के गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी कि गौतम एक के एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नांडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत दबोलकर ने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको थापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सितोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज़ किया उसमें राकेश मां महात् के नाम से तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंसेस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफ़ी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते हैं अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पर कुछ जगह पर आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट की हुए फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म के हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नज़र आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नजर आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेस के साथ चलती रहती है और जल्द ही खत्म हो जाती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नजर नहीं आ सकता है अदरवाइज़ फिल्म के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूज़िक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पे यूएस सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैंतालीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीज़ें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सीनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसन कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है अट्ठारह अगस्त 2022 तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसेंट वे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई एम पे फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओ और सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने ख़रीदे हुए सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेटवर्क ने ख़रीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सॉरी टेलीविज़न चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक विलन रिटर्न फिल्म आपको हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी ऑफिशियली वहीं पर फिल्म का ऑफिशियल टेलीविजन प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सैटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से एक विलन रिटर्न फिल्म आप देख सकते हो एक विलन रिटर्न जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिकवल है जहां पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविलकर के कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म्स ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन सीन्स है कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म ए सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यू रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर दिशा पटानी तारा सुतारिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा काइजाद कोतवाल एलिना रोक्साना मारिया फर्नांडिस साद रंधावा भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सिथोले सतीश नकयोटी और प्रीतेश देशमुख का एक कैमियोपीरेंस कह सकते हैं फुटेज यूज़ की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन ने की हुई एडिटिंग की हुई देवेंद्र ने जिन्होंने इस फिल्म को उनतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है उनतीस यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिस बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेड किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डिरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स से धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल प्रंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो एक मार्च दो हज़ार इक्कीस को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का पोर्शन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेपअप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को भी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाती खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो रिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गाना को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासिर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामद जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया हुआ अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी और तारा सुतरिया और इसी गाने के थ्रू तारा सुतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिस बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्थमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिल के गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स प्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल हैं टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपुस्कर का रोल दिशा पटना पटाने को दिया गया था तारा सुतरिया ने आरवी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में ए सी पी वी के गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी कि गौतम की, की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नाडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत दबोलकर ने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सित्तोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैमियो अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज़ किया उसमें राकेश महा महातकर के नाम से तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंसिस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफ़ी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट की हुई फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म के हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नजर आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नजर आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू तो बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेस के साथ चलती रहती है और जल्द ही खत्म हो जाती है म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नज़र नहीं आ सकता है अदरवाइज फिल्म के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूजिक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने, ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीजें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सिनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है अट्ठारह अगस्त दो तक फिल्म ने करीबन उन करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसेंट वे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओ और सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स है वो सोने नेटवर्क ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सॉरी टेलीविज़न चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक विलन रिटर्न फिल्म आपको हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी ऑफिशियली वहीं पर इस फिल्म का ऑफिशियल टेलीविजन प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सेटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से एक विलन रिटर्न फिल्म आप देख सकते हो एक विलन रिटर्न्स जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिक्वल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविल करके कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियानाइज़ किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज़ और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्श प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म्स ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफी सारे ऐसी सीन्स है कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म एज सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यू रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर दिशा पटानी तारा सुतारिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा काइजात कोतवाल एलिना रोक्साना मारिया फर्नांडिस साद रंधावा भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सिथोले सतीश नकयोटी और प्रीतेश देशमुख का एक कैमियोपीरेंस कह सकते हैं फुटेज यूज़ की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन ने की हुई है एडिटिंग की हुई देवेंद्र ने जिन्होंने इस फिल्म को उनतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेड किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डिरेक्टर एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स से धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल्म प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो एक मार्च दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का पोर्सन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेपअप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट्स राइट जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को भी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो डिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गाना को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासिर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया हुआ अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी और तारा सुतरिया और इसी गाने के थ्रू तारा सुतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष बागची ने म्यूजिक दिया है तनिष बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्तमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिलकर गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स फ्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल हैं टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपूस्कर का रोल दिशा पटना पटानी को दिया गया था तारा सुतरिया ने आरवी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में एसीपी सी वी के गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी गौतम की, की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नाडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत दबोलकर ने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सितोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैमियो अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज किया उसमें राकेश महा महातकर के नाम से तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए <coughs> अब हम बात करें इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंसेस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते हैं जहाँ पर इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट किए हुए फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म की हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नजर आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नज़र आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेस के साथ चलती रहती है और जल्द ही खत्म हो जाती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नज़र नहीं आ सकता है अदरवाइज़ फिल्म के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूज़िक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज़ किया गया था जहाँ पे यूएस सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीजें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सीनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है 18 अगस्त 2022 तक फिल्म ने करीबन उनपचास करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसनवे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई एम डी पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई पे फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने ख़रीदे हुए सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेटवर्क ने ख़रीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सॉरी टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा एक विलन रिटर्न्स जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिकवल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविल करके कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म ए सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यू रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा कोतवाल एलिना मारिया फर्नांडिस, साद रंधावा भरत डांबोलकर, इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सितोले सतीश नक् और देशमुख का एक केम्योपीर कह के सकते आरकी फुटेज यूज की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन ने की हुई है। एडिटिंग की हुई है देवेंद्र ने जिन्होंने इस फिल्म को उनतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड को राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेट किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डिरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स में धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल प्रंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो एक मार्च दो हज़ार इक्कीस को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का पोर्शन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेपअप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट्स है और जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को अभी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो डिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गानों को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासिर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामद जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया हुआ अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी और तारा सुतरिया और इसी गाने के थ्रू तारा सुतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिस बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्थमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिल के गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स प्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल है टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपुस्कर का रोल दिशा पटना पटाने को दिया गया था तारा सुतरिया ने आरवी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में ए सी पी वी के गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी कि गौतम एक के एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नाडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत दबोलकर ने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सीतोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैमियो अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज़ किया उसमें राकेश महा महातकर के नाम से तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के की परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंसिस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफ़ी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते जहाँ पे इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट की हुई फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म की हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नजर आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नजर आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू तो बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेश के साथ चलती रहती है और जल्द ही खत्म हो जाती है म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नज़र नहीं आ सकता है अदरवाइज फिल्म के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूजिक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने, ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीज़ें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सिनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है अट्ठारह अगस्त दो तक फिल्म ने करीबन उनपचास करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसेटे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओ और सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स है वो सोने नेटवर्क ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सॉरी टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा एक विलन रिटर्न्स जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिकवल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविलकर के कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्श प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म्स ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन सीन्स है कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म ए सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यूए रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को इन्जॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर दिशा पटानी तारा सुतरिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा काइजात कोतवाल एलिना रोक्साना मारिया फर्नांडिस साद रंधावा भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सिथोले सतीश नकयोटी और प्रीतेश देशमुख का एक कैमियोपीरेंस कह सकते हैं फुटेज यूज़ की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी विकास शिवरमन ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है देवेंद्र मुर्देश्वर ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेड किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स से धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल प्रंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो एक मार्च दो हज़ार इक्कीस को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का, का पोर्शन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेप अप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट से जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे के ख़रीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को भी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो रिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गानों को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया अंकित तिवारी ने सिंगर थे और और इसी गाने के थ्रू तारा सोतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनीस बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनीस बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्थमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिल के गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स फ्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल हैं टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपुस्कर का रोल दिशा पटना पटाने को दिया गया था तारा सुतरिया ने आर वी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में ए सी पी वी के गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी कि गौतम एक के एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नाडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सी ऑफिसर डी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत दबोलकर ने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सितोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज़ किया उसमें राकेश मां कर के नाम से तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंसेस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफ़ी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते हैं जहाँ पर इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट की हुई फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म की हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नज़र आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नज़र आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पे कोई भी बेफालतू बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेस के साथ चलती रहती है और जल्द ही खत्म हो जाती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नजर नहीं आ सकता है अदरवाइज़ फिल्म के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूज़िक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पे यूएस सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीजें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्म में चल रही थी उसके सीनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है 18 अगस्त 2022 तक फिल्म ने करीबन उनपचास करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा वे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई पे फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओ और सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेटवर्क ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टे, सॉरी टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा एक विलन रिटर्न्स जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिक्वल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविलकर के कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म्स ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स है कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म ए सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यूए रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर दिशा पटानी तारा सुतारिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा काइजात कोतवाल एलिना रोक्साना मारिया फर्नांडिस साद रंधावा भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सिथोले सतीश नकयोडी और प्रीतेश देशमुख का एक कैमियोपीरेंस कह सकते हैं फुटेज यूज़ की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन ने की हुई एडिटिंग की हुई देवेंद्र ने जिन्होंने इस फिल्म को उनतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेड किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डिरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स से धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल्म प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो एक मार्च दो हज़ार इक्कीस को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का पोर्शन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेपअप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट से जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे के ख़रीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को भी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो रिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गाना को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासिर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी और तारा सुतरिया और इसी गाने के थ्रू तारा सुतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिस बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्थमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा तारासुतारिया ने मिल के गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स फ्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल हैं टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपूस्कर का रोल दिशा पटना पटानी को दिया गया था तारा सुतरिया ने आर वी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में एसीपी सी के गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी कि गौतम की, की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कई जात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नाडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत दबोलकर ने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सीतोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैमियो अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज किया उसमें राकेश महा महातकर के नाम से तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंसेस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते हैं जहाँ पर इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट किए हुए फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म की हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नजर आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नजर आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू तो बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेस के साथ चलती रहती है और जल्द ही खत्म हो जाती है म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नज़र नहीं आ सकता है अदरवाइज फिल्म के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूजिक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीज़ें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सिनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है अट्ठारह अगस्त दो तक फिल्म ने करीबन उन करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसेंट वे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओ और सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स है वो सोने नेटवर्क ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सॉरी टेलीविज़न चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक विलन रिटर्न फिल्म आपको हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी ऑफिशियली वहीं पर इस फिल्म का ऑफिशियल टेलीविजन प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सेटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से एक विलन रिटर्न फिल्म आप देख सकते हो एक विलन रिटर्न जो दो हजार बाईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिक्वल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविल करके कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन सीन्स कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म ए सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यूए रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा कोतवाल एलिना मारिया साद रंधावा, भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सितोले सतीश नक् और प्रीतेश देशमुख का एक कम्योपीर कह सकते आरकी फुटेज यूज की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन ने की हुई है एडिटिंग की हुई है देवेंद्र मुर्देश्वर ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेड किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डायरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स में धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल्म प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो एक मार्च दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का, का पोर्सन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेप अप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट्स राइट जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज़ वालों ने बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को अभी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो डिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गानों को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासिर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया अंकित तिवारी ने सिंगर थे इसी गाने के थ्रू तारा सोतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिस बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्थमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिल के गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स फ्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल है टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपुस्कर का रोल दिशा पटना पटाने को दिया गया था तारा सुतरिया ने आरवी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में एसीपी एस वीके गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी कि गौतम के एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नांडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत दबोलकर ने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सितोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैमियो अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज़ किया उसमें राकेश मां महात् के नाम से तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंसेस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफ़ी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते हैं जहाँ पर इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट की हुई फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म के हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नजर आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नज़र आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेस के साथ चलती रहती है और जल्द ही ख़त्म हो जाती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नज़र नहीं आ सकता है अदरवाइज़ फिल्म के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूज़िक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आठ डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पे यूएस सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीजें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सीनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है 18 अगस्त 2022 तक फिल्म ने करीबन उनपचास करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसनवे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई एम डी पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई पे फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेटवर्क ने ख़रीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सॉरी टेलीविज़न चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक विलन रिटर्न फिल्म आपको हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ओ टी टी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी ऑफिशियली वहीं पर फिल्म का ऑफिशियल टेलीविजन प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सैटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से एक विलन रिटर्न फिल्म आप देख सकते हो एक विलन रिटर्न जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिकवल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविल करके कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज़ करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज़ किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स है कुछ ऐसे कस वर्ड्स जिसके चलते ये फिल्म ए सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यूए रखा गया है और उसका मेन रीजन है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा कोतवाल एलिना मारिया फर्नांडिस, साद रंधावा भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सीथोले सतीश नक्कीोदी और प्रश देशमुख का एक कैम्योपीर कह सकते आरकी फोटेज यूज की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन ने किए हुई है एडिटिंग की हुई देवेंद्र मुर्देश्वर ने जिन्होंने इस फिल्म को उनतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेट किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डायरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स में धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल्म प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक मार्च दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का पोर्सन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती फिल्म है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेपअप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट्स है और जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को अभी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो रिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गानों को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया हुआ अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी और तारा सुतरिया और इसी गाने के थ्रू तारा सुतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिस बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्थमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिलकर गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स प्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल है टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपुस्कर का रोल दिशा पटना पटाने को दिया गया था तारा सुतरिया ने आरवी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में एसीपी सी गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी कि गौतम की, की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नांडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत डबल करने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सितोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज़ किया उसमें राकेश महा महातकर के नाम से तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए <laughs> अब हम बात करें इस फिल्म के की परफॉर्मेंसेस की तो फिल्म की परफॉर्मेंस एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफ़ी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स है लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते जहाँ पे इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट की हुई फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म की हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नजर आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नजर आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू तो बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेश के साथ चलती रहती है और जल्द ही खत्म हो जाती है म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नज़र नहीं आ सकता है अदरवाइज फिल्म के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूजिक है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पर यू सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन ने करके दिखाया हुआ था ये सभी चीज़ें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सिनारियों के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है अट्ठारह अगस्त दो तक फिल्म ने करीबन उनपचास करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसेंट वे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉस मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओ और सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेटवर्क ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सॉरी टेलीविज़न चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक विलन रिटर्न फिल्म आपको हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी ऑफिशियली वहीं पर इस फिल्म का ऑफिशियल टेलीविजन प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सेटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से एक विलन रिटर्न फिल्म आप देख सकते हो एक विलन रिटर्न जो दो हजार बाईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो मोहित सूरी का था उसके ऊपर डायलॉग असीम अरोरा ने लिखे हुए स्क्रिप्टिंग और है वो मोहित सूरी और असीम अरोरा ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मोहित सूरी ने एक्चुअली में एक विलन रिटर्न दो की फिल्म एक विलन का ऑफिशियल सिक्वल है जहाँ पे जो 2014 वाली एक विलन थी वो अपने आप में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी हिंदी वर्जन में उसका मेन रीजन उसके गानों की वजह से फिल्म का जो साउंड ट्रैक था वो इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था जिसके चलते वो सभी नंबर बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिले थे फिल्म की स्क्रिप्ट भी लोगों को पसंद आई थी जहाँ पे इस फिल्म का जो यानी कि एक विलन पार्ट वन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आईसो डेविल करके कोरियन फिल्म थी साउथ कोरियन उससे इंस्पायर्ड बताया गया था जिसके चलते बाद में पता चला था कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें उठा के इंडियनाइज करके वर्जन बनाया हुआ है लेकिन ओवरऑल इंडियनाइज किया हुआ वर्जन अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म के सॉन्ग्स अच्छे थे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जहाँ पे जिस तरह से रितेश देशमुख ने काम किया हुआ है वो फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाता है जिसके चलते एक विलन बड़ी हिट साबित हुई थी और उसी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद अब एक विलन रिटर्न फिल्म लाई हुई है जहाँ पर इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है टी सीरीज़ और बालाजी मोशन पिक्चर्स ये दो प्रोडक्शन हाउसेस में शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने मिलकर फिल्म को करीबन साठ से अस्सी करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ए फिल्म्स ने यानी कि अनिल थड़ानी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी और इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट हासिल किया था वैसे तो फिल्म में काफी सारे ऐसी सीन्स है कुछ ऐसे कस वर्ड्स है जिसके चलते ये फिल्म एज सर्टिफिकेट शायद हासिल कर सकती थी लेकिन उन सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया गया डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया गया जिसके चलते इस फिल्म को यूए रखा गया है और उसका मेन रीज़न है मेकर्स चाहते थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे अगर एज सर्टिफिकेट होता तो शायद फैमिली ऑडियंस उतना इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाती जिस वजह से कुछ चीज़ों को म्यूट और साथ ही में कुछ चीज़ों को ब्लर करते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर दिशा पटानी तारा ये लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे जेडी चक्रवर्ती करिश्मा शर्मा कोतवाल एलिना मारिया रंधावा, भरत डांबोलकर इवान रोड्रिगस दिग्विजय रोहिलडास नेहा सितोले सतीश नक्के और प्रश देशमुख का एक केमयोपीर कह के सकते आर की यूज की हुई है तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी विकास शिवरमन ने की हुई है एडिटिंग की हुई देवेंद्र मुर्देश्वर ने जिन्होंने इस फिल्म को उनतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है एक यानी कि दो घंटे नौ मिनट की फिल्म रखी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी खासी पेज पे चल रही होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने क्रिएट किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स है वो अंकित तिवारी तनिष बागची और कौशिक गुड्डू ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो गाने हैं उसके राइट से ऑडियो राइट से वो टी सीरीज वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ गानों को रिक्रिएट किया हुआ है कुछ अलग अलग वर्जन के सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसको फिल्म में सेट किया हुआ है फिलहाल में सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म में आपको जो अर्जुन कपूर वाला किरदार देखने को मिल रहा है वो किरदार ऑफिशियली पहले आदित्य रॉय कपूर को ऑफर किया गया था उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट भी कर लिया था और जब फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाली थी उससे पहले मेकर्स यानी कि रोहित सॉरी सूर, सूर, मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर डायरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे और यही रीजंस के चलते आदित्य रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसके बाद में ये रोल कार्तिक आर्यन को शायद ऑफर किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन उन्होंने इस रोल के अप्रोच जो अप्रोच किया गया था उनको ये रोल तो उन्होंने शायद डिनाई कर दिया था उसका मेन रीज़न बताया था उन्होंने धमाका फिल्म की शूटिंग उनकी जो नेटफ्लिक्स में धमाका फिल्म आई है उसकी शूटिंग के लिए उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया हुआ था डेट इश्यू की वजह से और उसके बाद में फाइनली ये रोल अर्जुन कपूर को दिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर वाला किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिल्म प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो एक मार्च दो हज़ार इक्कीस को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जॉन अब्राहम जिनका फिल्म में शूटिंग का, का पोर्शन बहुत कम है उनकी एंट्री भी काफ़ी लेट करवाई जाती है फिल्म में जिस वजह से कम शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी शूटिंग सबसे पहले कम्प्लीट हुई थी लीड एक्टर्स में से जहाँ पे अक्टूबर 2021 में उनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी उनके साथ ही में दिशा पटी पटानी का भी रोल कम है तो उस तरह से उन दोनों एक्टर्स की शूटिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी पूरी फिल्म को रेपअप किया गया था 24 मार्च 2022 को तो यानी कि एक साल का लगभग समय लगा हुआ है पूरी फिल्म को शूट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी कोविड 19 कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए साथ ही में जो लीड एक्टर्स हैं उनकी दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग चल रही थी साथ ही में तो वो प्रॉपर शेड्यूल सेट करने के चलते फिल्म का शूटिंग का समय एक साल का लगा हुआ था टोटल में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का ऑडियो राइट्स है और जैसे कि मैंने कहा टी सीरीज वालों ने बड़ी रकम दे खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी गानों को भी फिलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में एक अच्छी खाटी खा, खासी हिट की श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन जो 2014 की एक विलन थी उसमें जो सभी गाने थे जिस तरह से वो एक लेवल पे हिट हुए थे उतने लेवल के ऊपर ये फिल्म के गाने हिट नहीं हुए हालांकि इसमें से कुछ गाने जैसे गलिया का रिक्रिएट वर्जन क्रिएट किया हुआ है ऐसे अलग अलग गानों को रिक्रिएट किया हुआ है वहीं पे नए गाने ऐड किए हुए जो डिसेंट है सुनने में उतने बुरे नहीं अब ट्रैक लिस्ट करके बताऊं तो पहला गाना है गलिया रिटर्न्स यानी कि वो गलिया गाना है दो हजार चौदह की फिल्म का वही गाना को रिक्रिएट किया हुआ है लिरिक्स लिखे हुए मनोज मुंतासिर ने म्यूजिक दिया हुआ है अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी दूसरा गाना था दिल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है कौशिक गुड्डू ने सिंगर थे राघव चैतन्य तीसरा गाना सामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिंस दुबे ने म्यूजिक दिया हुआ अंकित तिवारी ने सिंगर थे अंकित तिवारी और तारा सुतरिया और इसी गाने के थ्रू तारा सुतरिया ने बॉलीवुड में अपना म्यूजिक का डेब्यू किया हुआ था एज ए सिंगर चौथा गाना ना तेरे बिन जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनीस बागची ने म्यूजिक दिया हुआ तनीस बागची ने खुद और उसको गाया हुआ है अल्थमास फारिदी ने वहीं पे पांचवा गाना दिल जो श्रेया घोषाल वाला वर्जन है तो उसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने बाकी तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ही थे और म्यूजिक कौशिक गुड्डू का ही था छठा गाना है सामत जो एक और अलग वर्जन है पहला वाला जो वर्जन है उसको अंकित तिवारी और तारा सुतारिया ने मिल के गाया हुआ था लेकिन इस वाले वर्जन में सिर्फ अंकित तिवारी ने गाया हुआ है म्यूजिक उनका ही है और लिरिक्स फ्रीज दुबे के ही सुनने को मिलेंगे तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसको फिल्म में यूज़ किया गया था ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे साथ ही में इसके पहले पार्ट के गाने भी वहीं पे अवेलेबल हैं टी सीरीज को ही राइट्स बेचे गए थे तो वो भी गाने वहीं पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर भैरव पुरोहित का रोल है वो जौन अब्राहम प्ले कर रहे गौतम मेहरा वाला किरदार अर्जुन कपूर ने प्ले किया हुआ है रसिका मपुस्कर का रोल दिशा पटना पटानी को दिया गया था तारा सुतरिया ने आरवी मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जेडी चक्रवर्ती को इस फिल्म में एसीपी सी वी के गणेशन का रोल दिया गया था करिश्मा शर्मा आपको सिया यानी गौतम की, की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे कईजात कोतवाल ने इस फिल्म में सिया के फादर का रोल प्ले किया हुआ है एलनाज रोक्साना मारिया फर्नाडिस को किरण का रोल दिया गया था शांत रंधावा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर डीसीपी आदित्य राठौड़ का रोल प्ले किया हुआ है भारत डबल करने इस फिल्म में देवेश मेहरा यानी कि गौतम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इवान रोड्रिगस आपको ठापर के रोल में दिखाई देंगे दिग्विजय रोहिल दास ने इस फिल्म में केशव राणे का रोल प्ले किया हुआ है जो भैरव की फ्रेंड है नेहा सित्तोल ने इस फिल्म में चेतना का रोल प्ले किया हुआ है सतीश नक्योडी ने इस फिल्म में सतीश का रोल प्ले किया हुआ है रितेश देशमुख का सिर्फ फुटेज यूज़ किया हुआ है साथ ही में मिड क्रेडिट सीन में उनका कैमियो अपीरेंस देखने को मिलेगा फुटेज जो यूज़ किया उसमें राकेश महा महातकर के नाम से तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म की परफॉर्मेंसीज की तो फिल्म की एक्टर वाइज देखे तो कैरेक्टर काफी दमदार लिखे हुए थे अगर चाहते तो उन सभी कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे लेकिन जो फिल्म के एक्टर्स हैं लीड एक्टर्स हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जिस वजह से इतने अच्छे खासे कैरेक्टर्स को वो डिसेंट वे में डिलीवर करते ठीक ठाक डिलीवर करते अगर कोई अच्छे एक्टर होते उससे बेटर एक्टर होते तो ये सभी रोल और भी बेहतर वे में क्रिएट होकर हमारे सामने आ पाते हैं जहाँ पर इस फिल्म में जो सभी लीड एक्टर है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सभी चीज़ें ज़्यादातर महसूस होगी इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी डिसेंट देखने को मिलता है डायरेक्शन अच्छा खासा था लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस है और कुछ रूटीन ट्रीटमेंट की हुई फिल्म के साथ वो फिल्म को थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है वहीं पर इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ठाक थे प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर भूषण कुमार कृष्णा कुमार ने इस फिल्म में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं जो फिल्म की हर एक स्क्रीन पे हमें महसूस होता है फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म के लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे साथ ही में कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है सभी लीड एक्टर को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा था इस फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स जहाँ पे एक दो ट्विस्ट आपको अच्छे लगेंगे वहीं पर बाकी सब प्रिडिक्टेबल नजर आएंगे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्टेबल नज़र आ सकती है एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की एडिटिंग अच्छी खासी तरीके से की गई है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में हमारे सामने पेश किया जाता है जहाँ पर कोई भी बेफालतू बोरिंग सीन हमारे सामने आता नहीं है जिस वजह से फिल्म फटाफट अच्छी पेस के साथ चलती रहती है और जल्द ही ख़त्म हो जाती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है सॉन्ग्स डिसेंट है पहले पार्ट से कंपेयर करें या तो मोहित सूरी की पहले की फिल्मों से कंपेयर करें तो म्यूजिक उतना कुछ खास नजर नहीं आ सकता है अदरवाइज़ फिल्म के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक डिसेंट म्यूज़िक है वहीं पर बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट भी फिल्म की अच्छी थी साथ ही में आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था जिस तरह से एक्टर्स को स्टाइलाइज किया हुआ है वो भी अच्छा नजर आ रहा था इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज किया गया था जहाँ पे यूएस सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था और जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब पहले दिन फिल्म ने सात करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन इंडिया से कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा हल्का सा ग्रोथ दिखाया जहाँ पे सात करोड़ सैतालीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ये सभी चीजें मिक्स रिस्पांस होने के बावजूद हो रही थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिले हुए थे तीसरे दिन इस फिल्म का टोटल और आगे बढ़ा संडे के दिन फिल्म ने थोड़ा और बेहतर पिकअप लिया जहाँ पे नौ करोड़ दो लाख का इस फिल्म ने ओवरऑल नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था तो इंडिया का जो डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो था तेईस करोड़ चौवन लाख का तो ओवरऑल जिस तरह से अभी फिलहाल में बॉलीवुड फिल्में चल रही थी उसके सीनारी के हिसाब से फिल्म ने एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन कर लिया था वैसे फिल्म को तो साठ से अस्सी करोड़ में बनाया गया था जिस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड है वो उतना कुछ खास नहीं माना जाएगा पहली फिल्म जिस तरह से चली थी उसके मुकाबले इस फिल्म को ज़रा भी वहाँ पे वो एक लेवल पे भी नहीं पहुँच पाती है बॉक्स ऑफिस के मामले में भी कहानी तो छोड़ो ही अलग बात है परफॉर्मेंसेस भी अलग बात है अट्ठारह अगस्त दो हज़ार बाईस तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ तिरसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे तेरह करोड़ चौरानवे लाख का ओवरसीज से कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने दोनों तरफ से कलेक्शन अच्छा खासा डिसेंट वे में निकाला और उसी के चलते तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जहाँ पे इस फिल्म का बजट साठ से अस्सी करोड़ था उसके सामने तिरसठ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम करते हुए ये फिल्म एक का एवरेज ग्रोसर बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस के मामले में वहीं पे इस फिल्म को आई एम डी पे भी कुछ उसी टाइप की वोटिंग मिली हुई थी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दिया था ठीक उसी तरह आई एम पे फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी अब कौन से ओ और सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी नेटवर्क ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर एक विलन रिटर्न नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सॉरी टेलीविज़न चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक विलन रिटर्न फिल्म आपको हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सिप्सन ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी ऑफिशियली वहीं पे इस फिल्म का ऑफिशियल टेलीविजन प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सैटेलाइट और ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से एक विलन रिटर्न फिल्म आप देख सकते हो तो बस गए इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर दिए साथ ही में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दिए हुई है स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत किए हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी हमने बातचीत कर ली है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू